अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका अपना होस्ट घूमते घुमाते चैनल के साथ अलीम हाज़िर हूँ। आज हम नए प्रोजेक्ट में तशरीफ़ लाए हैं। ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, BRB ग्रुप का है। यहाँ तकरीबन 120 गज के 334 बंगलोज़ हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये सुपर हाईवे से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है ये जगह, और अगर आप जेना एवेन्यू चेक पोस्ट 6 से आते हैं तो तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर है। अभी जो ये आप देख रहे हैं, ये इसका मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर ये इन्होंने दो पार्क डिज़ाइन किए हैं। ये एक पार्क का व्यू है, और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये दूसरा पार्क है। इस पार्क पे भी बाद में एक प्रोजेक्ट बनेगा, जो कि हाई राइज बिल्डिंग हेक्सागन शेप का बनेगा। वो मैं आपको अपनी पार्ट टू वीडियो में दिखाऊंगा उस प्रोजेक्ट का मॉडल। और ये जो है बड़ी अच्छी स्कीम है BRB ग्रुप की। तकरीबन ये 24 एकड़ लैंड है, जिसमें से 12 एकड़ पे इन्होंने सेम साइज़ 120 गज़ के बंगलोज बनाए हैं। और कराची में पहली बार ये 120 गज़ के बंगलोज हैं, जिनमें अंडरग्राउंड भी दिया गया है, मतलब बेसमेंट बंगलो में तकरीबन बेसमेंट भी बनाया गया है, जो कि तकरीबन 900 स्क्वायर फिट है, और ग्राउंड फ्लोर तकरीबन 822 स्क्वायर फिट है, और फर्स्ट फ्लोर तकरीबन 830 स्क्वायर फिट है, और फ्रंट का एरिया 134 स्क्वायर फिट है। तो तकरीबन 2961 स्क्वायर फिट, तकरीबन 2700 स्क्वायर फिट के दरमियान एक बंगला इनका जो स्क्वायर फिट है वो एक बंगले का इतना है। तो टोटल स्कीम बहुत अच्छी है, बहुत हवादार है। हर स्कीम के बाद इन्होंने जो है आगे 7 पार्क्स वगैरह दिए हुए हैं। 7 पार्क्स हैं इसमें, 2 स्कूल्स हैं, एक मॉस्क मस्जिद दी है, ग्रैंड कम्युनिटी हॉल है, और मार्केट है, और बड़ा रोशन और हवादार प्रोजेक्ट है ये। और ये लीज प्रोजेक्ट है, ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड से लीज है। ये इसका पहला मॉडल बंगलो है, ये इसका दूसरा मॉडल बंगलो है जिसका नाम फ्लोरेंस है, तीसरा मॉडल बंगलो है जिसका नाम वैलेंशिया है, और ये चौथा कोर्डोबा। वैसे इनके 3 मॉडल दिए हुए हैं, कोर्डोबा, वैलेंशिया और फ्लोरेंस, और वो पहला वाला मैंने जो आपको दिखाया था वो मॉडल बंगलो था। ये इसकी बेसमेंट की इन्होंने डिज़ाइनिंग की है। बेसमेंट तकरीबन 905 स्क्वायर फिट का है, जिसमें आप इंडोर गेम्स और अपना एक्सरसाइज जिम वगैरह बनाया है इन्होंने, और एक बैठने की एक सिटिंग अरेंजमेंट की जगह बनाई है। इसके बाद मैं इस मॉडल विला में आपको, इसका ये मॉडल विला का आउटलेट है, और फिर अब हम ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेटर ने बहुत अच्छे से इसको सजाया है, बहुत लग्जरी स्टाइल में है। 120 गज की जगह को सही तरह कवर्ड किया गया है। ये इनका एंट्रेंस है, जहां आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और वाटर टैंक है। ये इसकी एंट्रेंस है, एक डोर डायरेक्ट ड्राइंग रूम ये बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, डेकोरेट किया हुआ ड्राइंग रूम है ये इनका। इसके अलावा ड्राइंग रूम के बाद हम लॉन्ज में आते हैं। लॉन्ज में सिटिंग अरेंजमेंट छोटा सा दिया हुआ है, इसमें LCD लगाई हुई है 40 इंच की, और ये सिटिंग अरेंजमेंट है। उसके बाद एक डाइनिंग, स्मॉल किचन डाइनिंग टेबल रखी हुई है, और किचन भी एल शेप में बहुत लग्जरियस किचन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है ये। एक इन्होंने गैलरी दी है पीछे, जहाँ आप गीज़र वगैरह, वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, काफ़ी लंबी गैलरी है। इसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर पे एक आपको पता है बेडरूम होता है, 7 सिंगल बेडरूम होता है 120 गज के बंगलोज में। ये बेडरूम है विद अटैच बाथ, और इन्होंने वार्डरोब भी बनाया हुआ है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, बाथरूम काफ़ी चौड़े हैं, अच्छे साइज़ के बने हुए हैं। ये है इसका फर्स्ट बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर अटैच बाथ के साथ। और अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये लाइटिंग वगैरह TV इंटीरियर डेकोरेटर ने हमारे, और बहुत अच्छा लुक लग रहा है इसका। देख रहे हैं आप, विंडोज़ दी हुई हैं एयर वेंटिलेशन के लिए। अब ये बिल्कुल सीढ़ी के साथ मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। तो ये एक टेरेस दिया है, उसके बाद ये इन्होंने एक ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है। अभी मैं टेरेस में आपको बाद में ले जाऊँगा। ये मास्टर बेडरूम के साथ ये अटैच बाथ है। बाथरूम काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं इनके। अब यहाँ से हम, ये बेडरूम है, इस फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं। अब मैं दूसरे बेडरूम में जाऊँगा। पहले जी देखें, ये लेडर्स के साथ ये दूसरा बेडरूम है, और ये भी अच्छे काफ़ी साइज़ का कुशादा बेडरूम है, ये आप देख सकते हैं।
ये मैं थोड़ा दूर व्यू कहूँगा, ये भी अटैच बाथ के साथ है, इसका वॉशरूम भी मतलब अच्छा कुशादा है, साइज़ अच्छा दिया हुआ है इसमें भी वॉशरूम में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी वॉशरूम है, और ये पीछे इसका शावर की जगह दी हुई है। और अब हम इधर बेडरूम, ये आपकी एलसीडी लगी हुई है बेड के सामने, और ये लुक मैं आपको दिखाता हूँ बेडरूम का डोर से, ये देखें। इसके बाद अब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त छत का भी, इनका काफ़ी अच्छा साइज़ है, ये फानूस लगा हुआ था, और हर हर फ्लोर पे डबल विंडोज़ दी हुई हैं एयर वेंटिलेशन के लिए। लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, मैं नीचे से व्यू दिखाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर बाद। ये हम छत पे आ गए, छत के सामने से पूरी सोसाइटी का व्यू आ रहा है, और इसको नीचे देखूंगा मैं तो ये एक टेरेस दिया हुआ है जो कि नीचे वाले फ्लोर पे था, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और इसको डेकोरेट किया हुआ है आर्टिफिशियल ग्रास के साथ, और डाइनिंग टेबल्स रखी है। ये मैं छत पे आ गया, ये इस साइड वॉल पे लाइट है और दूसरी साइड थोड़ा अंधेरा है, लेकिन इधर भी एक सिटिंग अरेंजमेंट सोफ़ा स्टाइल है, मतलब 5 लोगों का अरेंजमेंट। ये पूरी साइड का रोड मैप दिया हुआ है। इसके बाद मैं छत पे आ गया, ये छत का देखें, ये टेरेस पे हूँ अभी मैं फर्स्ट फ्लोर वाले, और ये टेरेस का व्यू है, और ये पूरी सोसाइटी का व्यू आप देख सकते हैं। रात का टाइम है, इधर लाइटिंग वाइटिंग लग गई है, और ये तकरीबन तैयार है बंगले, तकरीबन 75% बंगले इनके सेल आउट भी हो चुके हैं, अब 25% बाकी हैं। इसके अलावा अगर आप कैश पे लेना चाहें तो ये बंगलो आपको डिस्काउंट रेट पे मिल जाएंगे, वैसे इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ ये बंगलो आपको 2 करोड़ 60 लाख का है, और इसकी इंस्टॉलमेंट 24 मंथ्स की बनेगी। इसके लिए आप ज़मीन.com डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और BRB ग्रुप के ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं।